श्री सुरेंद्र सिंह नागर। धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, ये आठवां बिल है, सात बिल इस हाउस ने पास किए और ये आठवां बिल है जो बिना जीरो स्क्रूटनी के बगैर यहाँ है, जबकि 70% से ज़्यादा बिल स्क्रूटनी के बाद आते थे, लेकिन एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जीरो स्क्रूटनी के बाद बिल आ रहे हैं, लेकिन हाउस काम कर रहा है और पास भी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका आप आगे से ध्यान रखेंगे। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी, जो ये अमेंडमेंट बिल है, जो सरकार, केंद्र की सरकार है, उसका एक सपना और उसका एक योजना थी कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करे, ऐसी योजना सरकार की है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया है एयरपोर्ट्स का, जिस तरीके से जो बिडिंग सिस्टम लाया गया है, जिस तरीके से टिकट महंगे हो रहे हैं और जिस तरीके से यात्रियों से एयरपोर्ट पर जो यात्री शुल्क है वो बढ़ाकर लिया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे आम यात्री और जो यात्रियों की जो हमारी ग्रोथ रेट है 10-11% जो ग्रोथ रेट है वो निश्चित रूप से घटेगी और आम व्यक्ति का, जो चप्पल पहनने वाले व्यक्ति का सपना हवाई यात्रा करने का है, वो इस बिल के बाद और इस जो सरकार की जो सिविलेशन मिनिस्ट्री की जो योजना है उससे वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। आम आदमी इससे प्रभावित हवाई अड्डे में नहीं घुस पाएगा। चप्पल वाला तो वैसे भी हवाई अड्डे में घुसने से पहले डर जाता है। माननीय उपसभापति जी, अभी हमारे एक साथी ने मेरे नजदीक के डीएनडी टोल ब्रिज की बात की और पहला प्राइवेट सेक्टर का दिल्ली और नोएडा के बीच में वो ब्रिज बना था। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को आज एयरपोर्ट दिए गए हैं और उनके बिड में क्या शर्तें हैं, कितना टैक्स वो वसूलेंगे आम यात्री से, उसका कोई जिक्र नहीं है, आम यात्री को उसकी पता भी नहीं। इसी तरीके से जब ये डीएनडी बना था तो उसी जब कंपनी को ये दिया गया था तो इसमें ऐसी शर्तें रखी गई थी कि उससे नोएडा अथॉरिटी को अगले 30 साल भी अगर वो उस पर टैक्स वसूल करते, टोल वसूल करते, तो वो टोल पूरा नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से जो प्राइवेट सेक्टर को जो एयरपोर्ट दिए गए और उसमें कोई रेगुलेटरी, उनको अधिकार है बिड में कि वो तय करेंगे यात्री शुल्क क्या होगा। अगर ऑन द अदर, अगर दूसरी तरफ देखें पावर सेक्टर की अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर उसमें भी है, लेकिन बिजली की दरें तय करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी वहां है। इसी तरीके से इस सेक्टर में भी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिससे यात्रियों से मन मर्जी का जो कर है, जो वहां शुल्क है, वो ये उगा ना सके और आम यात्री इससे प्रभावित ना हो सके। दूसरी तरफ सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, अगर प्राइवेट सेक्टर को ये एयरपोर्ट दिए जाएंगे तो नौकरियां कम होंगी और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होगा तो जिनको रिजर्वेशन में ओबीसी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी नौकरियां कम होंगी, इसलिए उनका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। गुड पॉइंट। इसके अलावा अगर महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी, आज टिकटों की जो हालत है, और दूसरी तरफ यात्री शुल्क, टिकट महंगा होता है यात्री शुल्क उस पर बढ़ा दिया जाता है, यात्री को पता ही नहीं होती है कि मुझसे कितना टैक्स इसमें लिया जा रहा है। निश्चित रूप से यात्री को जानकारी होनी चाहिए कि उससे कम से कम जो सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं पर उससे कितना टैक्स वसूला जा रहा है। यह आम आदमी का अधिकार है, पता लगती है कि टैक्स, टिकट का रेट बढ़ गया, यात्री शुल्क बढ़ा दिया, यात्री को पता ही नहीं लगती है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर से
हालांकि इससे हटाओ इससे अलग का थोड़ा सा विषय है, जिस तरीके से सिविल एविएशन आज सेक्टर का हाल है, जिस तरीके से आज एयरलाइंस घाटे में जा रही हैं, जिस तरीके से एयरलाइंस बंद हो रही हैं, निश्चित रूप से जो सरकार का सपना है, जो ग्रोथ रेट की बात वो करते हैं 10-11% की, निश्चित रूप से वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। और सिविल एविएशन सेक्टर कि जो हालत है आज देश में सबसे खराब है, इस पे भी सरकार को कोई ना कोई बात करना चाहिए। और एयर इंडिया जैसी कंपनी, एयर इंडिया जैसी कंपनी, उस एयर इंडिया के ऊपर भी आज वो संकट के दौर से गुजर रही है एयर इंडिया। निश्चित रूप से सरकार उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके पता नहीं किन लोगों को लाभ उसमें मिलेगा, मुझे ये पता नहीं किन लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को उसको डिसइन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, जिससे उसके कर्मचारी और उस पर आधारित जितने लोग जिनका रोजगार निर्धारित है उनकी रक्षा हो सके, उनके हितों की सुरक्षा हो सके। अंत में मैं माननीय मंत्री जी, नए एयरपोर्ट भी आप लेके आ रहे हैं, मेरे पास के क्षेत्र में जेवर में आप नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बारे में रोज नई स्टोरी आती है। ये बात सही है कि आप एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, सब इसमें सहमत है, लेकिन जिसकी जमीन आप एक्वायर करते हैं, आप कह देंगे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसी पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर जमीन होगी तो उसका 4 गुना मुआवजा मिलेगा, और शहरी क्षेत्र की जमीन होगी उसका 2 गुना मुआवजा मिलेगा। इसी नोएडा एयरपोर्ट पर, इसी जेवर में सरकार ने नियम बदला और जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव थे उनको शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया, और 2 गुना मुआवजा देकर किसानों की जमीन हड़पने का काम वहां की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से आप इसमें संज्ञान में लाएंगे, एयरपोर्ट बने लेकिन किसानों की जमीन और किसान जो आपको सुविधा देते हैं, जो किसान अन्नदाता है हमारा, उसकी जमीनों को सस्ती दर पर विकास के नाम पर जमीनों को ना लिया जाए, और जो कानून हमारा कहता है 4 गुना उससे मुआवजा उनको देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।